हर सैयद मदनी नहीं होता। कौन मदनी? जो मौलवी आजम की आता है बस। कौन मदनी? जो जावे अशरफिया मिसबाहुल उलूम से सनद लेके निकला। पहले भी निकलते थे, अब भी निकल रहे हैं, मदनी नजर नहीं आता। तो अगर मदरसे ने मदनी बनाया होता तो भारत में 1,00,000 मदनी होते। अरे जिसको मुहद्दिसे आजम की नजर, सरकारे कला की निस्बत, हाफिजे मिल्लत की शागिर्दी, इल्मो फज़ल, तक़्वो तहारत जब जिस्म का रूप ले ले, उसे मदनी कहते हैं। अरे अपर चैम्बर में आओ, अपर चैम्बर से काम लो। ब्रेन जो है अपर चैम्बर में है, हेड में, इसीलिए उसका नाम हेड रखा गया, क्योंकि पूरी बॉडी का हेड है, ब्रेन कंट्रोलर ऑफ होल बॉडी है, और सारी नॉलेज उसी को है। पायल को नहीं मालूम क्या चुभा, ब्रेन को मालूम कांटा चुभा। ऊपर आओ, मदनी से ऊपर, पिछली सदी है, पास्ट सेंचुरी, गुजरी हुई शताब्दी। क्या कर रहे हैं आप? अभी गागर नहीं रखा जाएगा, अभी सागर रखा जाएगा। देखो, बनाने का काम, बचाने का काम इतिहास में सुरक्षित है। बनाने वाले गरीब नवाज हैं, बनाने वाले गरीब नवाज बहुत हैं। एक गरीब नवाज का नाम ले लो, सारे वली अंदर आ जाते हैं। बनाने वाले गरीब नवाज हैं, बचाने वाले मुहद्दिसे आजम। एक शैखुल इस्लाम का पीर है जो बनाने वालों में है, और एक उनका बाप है जो बचाने वालों में है। जब यजीदियत का फितना आया, उम्मत में बहुत लोग थे, बचाने के लिए फातिमा का लाल आया। और भी हमारे अकाबिर उलमा हैं जिन्होंने बचाया है। मामून का गड़बड़ शुरू किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने बचाया। और वो अकबर जो अकबर दीन इलाही चलाया, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी ने बचाया। हम रिश्तेदारी के जाल से बाहर आ गए और जिम्मेदारी का रंग ले लिया। और जब थाना भवन, एक ऐसा भवन जिसमें थाना हो, एक ऐसा थाना जिसमें भवन हो, वही तो थाना भवन है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा ने पंगा लिया। फितने की जड़ काटी, तफक्को फित दीन का परचम लहराया, फिक्र हनफिया पर इंसाइक्लोपीडिया लिख डाला। बतावे रजविया शरीफ, और कुरान का तर्जुमा किया कंजुल ईमान। सरकार 22 जिल्द, 25 जिल्द बनती चली जा रही है फिका की, इस्लामिक लॉ।
हनफी मजहब, और खाली तर्जुमा करके कुरान छोड़ दिया आपने। ये मुजद्दिद जानता है आगे क्या होगा। इशारा मिल गया कि छाव छाव बरेली का रिश्ता इतना मजबूत है, तर्जुमा बरेली करेगा तो तफसीर की छाव छाव लिखेगा। इमाम अहमद रज़ा ने तर्जुमा किया और आने वाले मुजद्दिद के लिए छोड़ दिया, तफसीर तू लिख, न मेरा तर्जुमा भूला जाएगा न तेरी तफसीर भूली जाएगी। और इस तरह अब आइए, लोग मुकर्रर होते हैं, मुदर्रिस नहीं होते। लंबी लंबी मोटी मोटी, मैं जैसे आवाज में बोलता हूं मगर मैं टीचर नहीं बन सकता। मदरसे में भेजोगे तो मैं टीचर नहीं, फटीचर नजर आऊंगा, लेकिन जब माइक दे दोगे तो बड़े बड़े टीचर मेरे सामने अपने को फटीचर समझेंगे। वजह क्या है? मखदूम साहब बादशाह हैं, हर डिपार्टमेंट एक को नहीं देते, डिपार्टमेंट बांट देते हैं। ये फॉरेन का मामला है तुम देखो, ये होम का मामला है तुम देखो, ये प्रॉपर्टी का मामला है तुम देखो, वित्त मंत्री अलग है, गृह मंत्री अलग है, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री अलग है। तो बता के गए, दे के गए। अब आला हजरत ने तर्जुमा किया और शेखुल इस्लाम ने तफसीर लिखी। आला हजरत ने फतावे रिजनिया में उन सवालों का भी जवाब दिया है जिन सवालों का पहले जवाब नहीं था। तो जिसका जवाब पास्ट में ना हो, प्रेजेंट में चुनौती बनकर वो सवाल आ जाए, तो उसे हल करने के लिए अब कुतुब खाने में जाओगे तो जवाब नहीं मिलेगा, फतवे पढ़ोगे जवाब नहीं मिलेगा, चुनौती नहीं है तो अब किससे उसका जवाब लिखवाया जाए? चुनौती नहीं ये है, वीडियो टीवी क्या है, क्या इसका कोई शरई इस्तेमाल मुमकिन है? न ये सवाल हिदाया में मिलेगा, न शामी में मिलेगा, न आलमगीरी में मिलेगा, न फतावे रिजिया में मिलेगा, क्योंकि जब ये सब लिखी जा चुकी तब ये चुनौती आई। इसलिए रब ने किसे चुना? मुस्तफा ने जिसे कहा, अशरफ ने जिस पे नजर की, मुहद्दिस आदम ने जिसका हाथ पकड़ा, उसी लिखने वाले का नाम शेखुल इस्लाम। मैं जो बोलूंगा मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन अगर बुलवाऊ बुलवाया जाऊंगा तो बुलवाने वाला जिम्मेदार है, मैं लिखूंगा तो मैं जिम्मेदार हूं, हम उससे लिखवाया जाए। ऐसा लगता है कि शेखुल इस्लाम ने लिखा नहीं, लिखवाया गया है। अब शेखुल इस्लाम लिखते कुछ हैं और हमारे जो खैरखा हमारी भलाई चाहते हैं, हमारे शुभ चिंतक कहने लगे टीवी जाए, वीडियो जाए, फिल्मी, लगता है जब अक्ल बट रही थी तो ये 7 किलोमीटर दूर थे। मुहावरा बोल रहा हूं, हकीकत नहीं बयान कर रहा हूं। इनकार कर दिया गया। नब्बे प्रतिशत लोगों की समझ में आया हमें टीवी को थोड़ी जायज कह रहे हैं, वीडियो को जायज नहीं कह रहे हैं, उसका एक शरई इस्तेमाल बता रहे हैं। जैसे टीवी में बहुत गलत गलत काम किया जाता है,
नहीं देखना। अच्छा बाबा तुम ठीक बोलते हो, तब कोई शरई इस्तेमाल उसमें संभव है? उनकी समझ में नहीं आया, शेखुल इस्लाम की समझ में आया। औरत का भी बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है, कहीं उसका हिजाब खींचा जा रहा है इन देशों में, कहीं उसे बाल बालिका बना दिया गया, डांसर बना दिया गया, मर्दों ने उसे नचाया, उसकी इज्जत के कपड़े उतार दिए, उसकी मानव मर्यादा और उसके सम्मान को मट्टी में मिलाया, आंखों से गुनाह करते रहे, मजा लेते रहे, औरत बिकती रही, औरत का कितना हराम इस्तेमाल है, एक्ट्रेस के रूप में हराम इस्तेमाल है, हीरोइन के रूप में हराम इस्तेमाल है, प्रोस्टिट्यूट के रूप में हराम इस्तेमाल है, खरीदो फरोख्त के रूप में हराम इस्तेमाल है, तो औरत का इस्तेमाल हराम है, कोई शरई इस्तेमाल है कि नहीं? तो इस्लाम ने कहा हाँ, इन हराम के होते हुए भी औरत का शरई इस्तेमाल ये है, निकाह कर लो। तो हराम की भीड़ में अगर शरई कोई इस्तेमाल निकलता है तो अरे बाप को कौन बोल रहा जो रास्ता बंद करे। तो शरई इस्तेमाल ये बताया हजरत ने कि जो बाहर देखना जायज है वो टीवी में भी देखना जायज, जो बाहर देखना हराम है तो टीवी में देखना हराम। अंदर बाहर की बात बताऊंगा आपको, आप एक आईना लो और छत पे खड़े हो जाओ, इधर घुमाओ, बीवी दिखाई पड़ी, अब आईने में बीवी को देखना जायज है कि नहीं? ऐसे घुमाया, पड़ोसन दिखाई पड़ी, अब वो हराम है, तो क्या आईना तोड़ दोगे या बाहर देखना छोड़ दोगे? टीवी क्यों तोड़ा? टीवी क्यों तोड़ा? क्यों नहीं बुरे मंजर को छोड़ा? पड़ोसन को आईने में नहीं देख सकते मगर बीवी को तो देख सकते हैं, बेटी को तो देख सकते हैं। अरे हराम चीज टीवी में नहीं देख सकते मगर मक्का तो देख सकते हैं, मदीना तो देख सकते हैं, शेखुल इस्लाम को देख सकते हैं, और जब तबीयत खराब हो तो हाशमी को देख सकते हैं। लिख दिया तो लिख दिया, क्या कर्म है रब का, तकदीर उसने लिख दिया तो लिख दिया, कोई बदलने वाला नहीं। अल्लाह तेरा करम इतना शेखुल इस्लाम पर जो लिख दिया वो लिख दिया, कोई बदलने वाला नहीं। लिख दिया तो लिख दिया, ऐ कहते बेटा सुनी बात ना माना कर, देखो तब खड़े हो। बहुत बहुत लोग सुनाते रहते हैं और राजकरण से प्रेरित होते हैं, तो सुनानी सुनी सुनाई बात ना माना कर, आंख से देखो, आंख से देखा तो कुछ निकला? लिख दिया तो लिख दिया। और 16 अबवाब, 16 चैप्टर, 300 से ज्यादा पेज वीडियो टीवी का शरई इस्तेमाल, 90% दुनिया ने मान लिया, 10% कहां मानते हैं? कोई टीवी वीडियो का हराम हक है उनका, तहकीक अगर यही है तो करो भाई। शेखुल इस्लाम तुम्हारे कलम पर मैं कुर्बान, इतनी बड़ी जमात
फतवा समझने में 25 बरस लग गया। हम वेलकम करते हैं उस जमात का, बस अफसोस यही है कि काश 25 साल पहले माना होता तो बात कुछ और होती। पर देर आए दुरुस्त आए। देखा आपने शेखुल इस्लाम टीवी पर फैसला कर दे कोई हिला नहीं पाता, वीडियो पे कर दे तो कोई हिला नहीं पाता, मसले हाजिर और नाजिर पर किताब लिख दे तो कोई हिला नहीं पाता, इस्लामिक लॉ पे किताब लिख दे कि दिस इज नॉट मुस्लिम पर्सनल लॉ, डोंट से मुस्लिम पर्सनल लॉ, इट्स नॉट पर्सनल, दिस इज इस्लामिक लॉ, डिवाइन लॉ, ये कानून इलाही है, मुसलमानों का जाती कानून नहीं है। कोई हिला नहीं सका, बड़ा घमंड था, इलाह इबादत और दीन का जो मतलब जमात इस्लामी के फाउंडर ने समझा है वो फाइनल है। शेखुल इस्लाम ने जब कलम उठाया इस्लाम का नजरिए उलूहियत तसव्वुर इलाह, इस्लाम का तसव्वुर इलाह, और मौदूदी साहब इस्लाम का नजरिए इबादत और मौदूदी साहब सैकड़ों सफात पर लिख दिया, जैसे अपने दौर के फितने को मिटाने के लिए अहमद रजा का कलम चल रहा था, ऐसे ही अपने जमाने के फितने को मिटाने के लिए शेख मदनी का कलम चल रहा है। फैसला बदलने की जरूरत नहीं। इस्लाम का तसव्वुर दीन और मौदूदी साहब किताब लिखे हुए गालिबन 40-50 बरस हो गया, किसी में हिम्मत नहीं कि उसका जवाब लिखे। तो जिसका जवाब लाजवाब हो, जिसका इंतखाब लाजवाब हो, जिसकी तहरीर लाजवाब हो, जिसका कलम लाजवाब हो, जिसकी जबान लाजवाब हो, जिसका जहन लाजवाब हो, जिसकी फिक्र लाजवाब हो, वो जब अपना जानशीन चुनेगा तो वो भी लाजवाब होगा। सुन्नियों का मरकज बना। याद आती है बाप दादा की, चले जाते हैं कि छोसे मुकद्दसा, मगर 10-15 दिन में लौट आते हैं गुजरा। जब इतना प्यार है तो तेरी किस्मत लाजवाब, तेरा मुकद्दर लाजवाब,